तमन्ना भाटिया एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो मुख्यतः बॉलीवुड समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में नजर आती हैं। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष भाटिया है जो कि एक हीरा का व्यापारी है। माँ का नाम रजनी भाटिया है। उनका एक बड़ा भाई भी है आनंद भाटिया। तमन्ना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानक जी कपूर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल जुहू मुंबई से पूरी की है। तमन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में ही कर दी थी। तमन्ना पहली बार अभिनीत की एल्बम आपका अभिजीत में नजर आई थी। तमन्ना ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में 15 वर्ष की उम्र में ही फिल्म चांद सा रोशन चेहरा की थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद बुरी फ्लॉप साबित हुई। इसी साल उन्हें अपने तेलुगु सिनेमा करियर की शुरुआत फिल्म श्री से की, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन आलोचकों ने तमन्ना के अभिनय की बेहद तारीफ की। वर्ष 2007 में उनकी फिल्म विजयवाड़ी रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक जर्नलिस्ट की भूमिका अदा की थी जिसे आलोचकों द्वारा बेहद सराहा गया, लेकिन उनकी यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। फिल्म हैप्पी डेज और कोलारी की सफलता ने उन्हें तेलुगु और तमिल सिनेमा के स्थापित अभिनेत्री बना दिया। इन दोनों ही फिल्मों में तमन्ना ने एक कॉलेज स्टूडेंट की भूमिका अदा की थी। इसी के साथ उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था। जिस तरह तमन्ना का साउथ करियर हिट रहा, उसी तरह बॉलीवुड में उनका करियर ग्राफ अभी तक बेहद नीचे है। उन्होंने अब तक बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी अब तक कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित नहीं हुई। तमन्ना की बेस्ट फिल्म बाहुबली, बाहुबली 2, इंटरटेनमेंट, हिम्मत वाला आदि हैं। तो ये रहा तमन्ना भाटिया का बायोग्राफी। वैसे आपको तमन्ना भाटिया का कौन सा फिल्म पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।